ग्वालियर सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो और क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे से भरे ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 120 गांजे के पैकेट बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि गांजा आंध्र प्रदेश से लाया गया था और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख से ज्यादा आंकी गई है। और दतिया टोल पर एनसीबी की टीम लगी हुई थी। उनके जो लोग थे वो सभी लोग लगे हुए थे, स्टाफ लगा हुआ था। जैसे ही अधिकारी उनके लगे हुए थे और जैसे ही वो ट्रक आया तो उसको रोक लिया गया। तो चूंकि अब आगे पीछे से वो गिर चुके थे, पीछे क्राइम ब्रांच की टीम थी, तो समन्वय करते हुए एनसीबी के द्वारा समन्वय करते हुए इसमें गांजा क्राइम ब्रांच ग्वालियर समन्वय करते हुए इसमें ट्रक चालक को, ट्रक के जो दो आरोपी हैं उनको पकड़ा।